गया कि दो सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। रेखा का समीकरण दिया गया x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 8 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1 और x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू y प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 4। तो पहले हम दोनों दी हुई रेखाओं का समीकरण लिखेंगे और तुलना करके, थोड़ी देर पहले हमने जो सूत्र देखा है उसका उपयोग करके सीधे हम दोनों सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे दी हुई सरल रेखाओं के समीकरण हैं। पहला समीकरण है x माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू y माइनस 8 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1 और दूसरा समीकरण है x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू y प्लस 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 4। तो ये जो समीकरण है इसकी तुलना हम समीकरण के मानक रूप से करते हैं। तो इसका जो मानक रूप है समतल का, ये हम लिखते हैं x माइनस अल्फा 1 अपॉन एल 1 इक्वल टू y माइनस बीटा 1 अपॉन एम 1 इक्वल टू z माइनस गामा 1 अपॉन एन 1 और फिर x माइनस अल्फा 2 अपॉन एल 2 इज इक्वल टू y माइनस बीटा 2 अपॉन एम 2 इज इक्वल टू z माइनस गामा 2 अपॉन एन 2। तो इनसे तुलना करेंगे यहां पर, इसीलिए हम लिखेंगे यहां देखो अल्फा 1 यहां पर है और यहां पर 3 है, लिखेंगे अल्फा 1 इक्वल टू 3, बीटा 1 इक्वल टू 8 और गामा 1 इक्वल टू 3। इसी प्रकार अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस 3, बीटा 2 इज इक्वल टू माइनस 7 और गामा 2 इज इक्वल टू 6। फिर इसी तरीके से एल 1 इक्वल टू 3, एम 1 इक्वल टू माइनस 1 और एन 1 इक्वल टू 1। इसी तरीके से एल 2 इज इक्वल टू माइनस 3, एम 2 इज इक्वल टू 2 और एन 2 इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों सरल रेखाओं की जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है, कहेंगे सरल रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी बराबर, इसे हम सारणिक के रूप में लिखते हैं। पहले 3/3 का एक सारणिक है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, बीटा 1 माइनस बीटा 2, गामा 1 माइनस गामा 2 और ये एल 1 एम 1 एन 1 एल 2 एम 2 एन 2 जो सारणिक का मान आएगा उसको हम भाग देंगे किससे, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन का स्क्वायर। ये सिग्मा सांकेतिक रूप में लिखा गया है, इसी तरीके से जैसे कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस था, उसी तरीके से दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होगा और ये एल वन एल टू और एन वन एन टू इसको लेकर के भी हम इसी तरीके से अंतर लिख करके वर्ग करके योग करेंगे। तो इस प्रश्न में जो है उसे हम सरल करते हैं, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 तो 3 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो मिल जाएगा सीधा 6, या लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 3 माइनस माइनस 3, फिर बीटा दैट इज 8 माइनस माइनस 7 और गामा दिस इज 3 माइनस 6। एल 1 3, एम 1 माइनस 1, एन 1 1, एल 2 माइनस 3, एम 2 2, एन 2 4 डिवाइडेड बाय माइनस फोर माइनस टू, माइनस फोर माइनस टू का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री तो होल स्क्वायर, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस देन अगेन दिस इनटू दिस
माइनस दिस इंटू दिस, ये बचा हुआ है, तो ये प्लस साइन आ जाएगा, तीन और दो का गुणा करेंगे छ, ऋण तीन और ऋण तीन और ऋण एक का गुणा करेंगे मिल जाएगा तीन, तो ऋण तीन का वर्ग। सरल करते हैं, तीन और तीन छ और ये पंद्रह और ये ऋण तीन, इसी तरीके से ये तीन ऋण एक एक और ऋण तीन दो और चार। ऋण छह का वर्ग धन छत्तीस, बारह और तीन पंद्रह, पंद्रह का वर्ग दो सौ पच्चीस और तीन का वर्ग नौ। अब ये जो सारणिक है इसे सरल करते हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो सिक्स इंटू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस वन टू, फिर वन और फोर, फिर माइनस फिफ्टीन, इस रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए, ये रो और ये कॉलम, तो थ्री माइनस थ्री और ये वन और फोर, फिर ये माइनस थ्री है इसके सापेक्ष प्रसार, तो ये जिस रो में और कॉलम में उसको हाइड कर दीजिए, थ्री माइनस थ्री और माइनस वन टू, यहां पर जो पूरा मान प्राप्त हो रहा है उसको भाग देंगे, इसको जब आप जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 270, वर्गमूल 270। इसको सरल करते हैं, छ चार और ऋण एक का गुणा करेंगे मिल जाएगा ऋण चार, ऋण दो और एक का गुणा करेंगे दो, फिर ये ऋण पंद्रह, चार और तीन का गुणा करेंगे बारह, ऋण तीन और एक का गुणा करेंगे ऋण तीन, तो ये धन तीन हो जाएगा, फिर ये ऋण तीन, तीन और दो का गुणा करेंगे मिल जाएगा छह, ऋण तीन और ऋण एक का गुणा करेंगे धन तीन, तो ये पूरा जो मान है इसको भाग देंगे वर्गमूल 270 से, तो छ चार और दो छ, ऋण छह और धन छह, तो ये ऋण छत्तीस, बारह और तीन पंद्रह, पंद्रह और पंद्रह 225 और फिर तीन और तीन नौ। तो देखिए यहां पर भी हमें वही मान प्राप्त हुआ है जो कि यहां पर प्राप्त हुआ था, बस यहां पर जो अंतर है कि यह ऋण चिन्ह है, तो ये आपको मिल जाएगा ऋण 270 बटे वर्गमूल 270, तो ये ऋण चिन्ह और फिर वर्गमूल 270। अब चूंकि जो लंबाई है या दूरी है वह धनात्मक होती है, तो इसका हम धनात्मक मान लेंगे और हम लिखेंगे वर्गमूल 270। वर्गमूल 270 को लिख सकते हैं 90 गुना 3 या 9 को इसमें से उभयनिष्ठ निकाल लें, 9 तिया 27, तो 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 और ये वर्गमूल 30, तो 3 वर्गमूल 30 यह उत्तर है, अर्थात दोनों सरल रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो इतनी इकाई है। प्रश्न यह है कि रेखाओं x माइनस सिक्स अपॉन थ्री इक्वल टू y माइनस सेवन अपॉन माइनस वन इक्वल टू z माइनस फोर अपॉन वन और x अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू y प्लस नाइन अपॉन टू इज इक्वल टू z माइनस टू अपॉन फोर के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए तथा न्यूनतम दूरी का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दोनों रेखाओं के समीकरण लिखते हैं और रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर लेते हैं, और दोनों बिंदुओं का जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ था उससे हम दिक अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि दी हुई रेखाओं के समीकरण x माइनस सिक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू y माइनस सेवन अपॉन माइनस वन इक्वल टू z माइनस फोर अपॉन वन इक्वल टू r माना, तथा मान लेते कि समीकरण एक है और जो दूसरा समीकरण दिया गया है ये है x अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू y प्लस नाइन अपॉन टू इज इक्वल टू जेड माइनस टू अपॉन फोर इक्वल टू आर डेस, ये भी हम मान करके चल रहे हैं, और ये समीकरण दो। अब हम समीकरण या रेखा एक पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं,
रेखा एक पर स्थित बिंदु 3r+6 -r+7 और r+4। इसी प्रकार रेखा दो पर स्थित बिंदु -3r, 2r-9 और 4r+2। मान लेते हैं ये तीसरा है और ये चौथा है। तो यदि इस बिंदु को हम P माने और इस बिंदु को Q मान ले, तब हम लिखेंगे PQ के दिक अनुपात, दिक अनुपात। तो यदि बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हो तो दिक अनुपात होता है x2 - x2, y1 - y2 और z1 - z2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 3r+3r-6 और दिस माइनस दिस करेंगे तो मिल जाएगा -r - 2r+15। दिस माइनस दिस करेंगे तो मिल जाएगा r-4r+2। तो ये जो PQ के जो दिक अनुपात है वो हमें ये प्राप्त हो रहा है। यदि दी हुई रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी PQ है तो PQ रेखाओं 1 व 2 पर लंब है। अतः जब ऐसा लंबवत होता है तो यहां पर हमें जो दिक अनुपात मिला है this into this और this into this, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमको अल्टीमेटली 0 मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 into 3r+3r-6, फिर ये -1 और इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो ये -r - 2r-15 और 1 और इसका जेड कोऑर्डिनेट, तो r-4r+2 = 0। जरूरी नहीं है कि हम पहले समीकरण पर रखें, दूसरे समीकरण L2 M2 N2 इससे भी ये समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे आगे सरल करते हैं तो मिल जाएगा यहाँ से 9r+9r-18, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +r+2r-15 +r-4r+2 = 0। तो इसको पहले सरल कर लेते हैं, r वाला पद 9r और ये 10 और ये 11, तो आपको मिल रहा है 11r प्लस 9r प्लस पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं 2r-4r, तो मिल जाएगा -2r और 9r, तो मिल जाएगा 7r। इसी तरीके से 18 में 15 घटाएंगे मिल जाएगा 3, 3 और 2, 5। मान लेते हैं कि यह समीकरण 5 है। और इसी प्रकार जो हमने L1 M1 N1 से ज्ञात किया था वो L2 M2 N2 से ज्ञात करेंगे। तो ये -3 into 3r+3r-6 + 2 into -r - 2r-15 + 4r - 4r-2 = 0। यहां से हम r में एक दूसरा समीकरण ज्ञात करते हैं तो मिल जाएगा 3 और 3 का गुणा करेंगे 9r - 9r-6 = 18 और ये -2r - 4r-30 - 4r - 16r-8 = 0। तो ये 9 + 4 में 2 घटाएंगे मिल जाएगा 2 और ये ऋण में है तो मिल जाएगा -7r। इसी तरीके से
ये 16 और 4 20, 20 9 29। अब इसके बाद ये ऋण 18 और धन 8, ऋण 10, धन 30, तो धन 20 इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते तो मिल जाएगा 7R प्लस 29R डैश प्लस माइनस 20 इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि समीकरण 6 है। समीकरण 5 और 6 को हम वज्र गुणनखंड विधि से सरल करेंगे और फिर यहां से हम R और R डैश के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। समीकरण 5 और 6 को हम वज्र गुणनखंड विधि से सरल करेंगे और R और R डैश का मान ज्ञात करेंगे। और R और R डैश का मान यदि ज्ञात हो जाता है तो रेखा 1 और रेखा 2 पर जो बिंदु का निर्देशांक है P और Q वह हमें ज्ञात हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का उपयोग करके हम P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें समीकरण 5 प्राप्त हुआ है 11R धन 7R डैश धन 4 बराबर 0। ये समीकरण 5 था। इसी प्रकार 7R धन 29 आर डैश ऋण 22 बराबर 0। ये समीकरण 6 था। तो समीकरण 5 व 6 में वज्र गुणनखंड विधि से ये R बटे 7 और ऋण 22 का गुणा करेंगे, फिर ऋण चिन्ह 29 और 4 का गुणा करेंगे, फिर माइनस आर डैश आएगा 11 और ऋण 22 का गुणा करेंगे, फिर ऋण चिन्ह 7 और 4 का गुणा करेंगे, फिर 1 बटे 11 और 29 का गुणा करेंगे, ऋण 7 और 7 का गुणा करेंगे 49। तो इसे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा आर बटे 7 गुणित 22 करेंगे तो मिल जाएगा ये ऋण 154, ऋण 29 और 4 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 116। इसी तरीके से माइनस आर डैश अपॉन ये आपको मिल जाएगा 242 ऋण चिन्ह के साथ में, ऋण 28 बराबर 1 और 9 319, 29 गुणा 11 तो 319 और फिर ये 49। तो यहां से मिल जाएगा आर बटे 154 और 116 मिल जाएगा ऋण 270, फिर ऋण आर डैश 242 और 28 यहाँ से भी मिल जाएगा 270 और 1 बटे यहाँ से भी मिल जाएगा 270। तो पहले और अंतिम की तुलना करेंगे तो R का निर्देशांक मिल जाएगा ऋण 1, दूसरे और अंतिम की तुलना करेंगे तो R बराबर मिल जाए R डैश बराबर मिल जाएगा, मान प्राप्त हो गया है R बराबर 1 और R डैश बराबर R बराबर ऋण 1 और R डैश बराबर 1। समीकरण 3 और 4 में जो R का मान है उसे रखने पर हमें P और Q के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो P के निर्देशांक हमने ज्ञात किया था 3R धन 6 ऋण R धन 7 और ये R धन 4, अर्थात R के जगह में ऋण 1 रख दीजिए तो ऋण 3, 6 ऋण 3 3, फिर R के जगह में ऋण 1 रख दीजिए ऋण ऋण धन हो जाएगा तो 7 और 1 8, यहां से ऋण 1 धन 4 तो मिल जाएगा 3। इसी तरीके से Q के निर्देशांक हमने निकाला था ऋण 3 R डैश और 2 R डैश ऋण 9 और 4 R डैश धन 2, अर्थात R डैश का मान 1 रखेंगे तो यह मिल जाएगा ऋण 3। इसी तरीके से R डैश का मान 1 तो 2 ऋण 9 मिल जाएगा ऋण 7 और 4 धन 2 6। तो इस तरीके से हमें P और Q के निर्देशांक प्राप्त हुए। अब न्यूनतम दूरी PQ है ऐसा मान करके चले थे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का उपयोग करके हम PQ अर्थात P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। 3 और ऋण धन तो ये मिल जाएगा 3 धन 3 का वर्ग धन 8 ऋण और ऋण धन 7
और ये तीन ऋण छह का वर्ग, तीन और तीन छह, छह का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 36, सात सात चौदह एक पंद्रह, पंद्रह का वर्ग करेंगे 225, और ये 9 जोड़ने पर मिल जाएगा 270। तो 270 को आप लिख सकते हैं 3√30, ये न्यूनतम दूरी है। अब न्यूनतम दूरी PQ का समीकरण ज्ञात करना है हमें, न्यूनतम दूरी PQ का समीकरण अल्फा अपॉन L1, उसी सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो x-3 ये वाला, फिर इन दोनों का अंतर दिक अनुपात y-8, -7 ये -8 इक्वल टू, फिर z-3 और 6-3, अर्थात x-3 अपॉन -6 इक्वल टू y-8 अपॉन -15 इक्वल टू z-3 अपॉन 3। अब हर में इन तीनों अनुपात या तीनों अनुपात में हम यदि ऋण तीन का गुणा कर दें तो मिल जाएगा x√3/2 बराबर y√8/5 बराबर z√3/1, और यही हमारा अभिष्ट उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, दो समतल यदि वे समांतर नहीं हैं तो एक रेखा पर प्रतिच्छेद करते हैं। माना कि उन समतलों के समीकरण हैं a1x+b1y+c1z+d1=0 और a2x+b2y+c2z+d2=0। अतः दोनों समतल समांतर नहीं है तो समीकरण एक और समीकरण दो एक साथ एक रेखा को निरूपित करते हैं कुछ इस तरीके से। एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक दिए हुए बिंदु ए से गुजरती है तथा एक दिए हुए सदिश वेक्टर बी के समांतर है। माना कि दिए हुए बिंदु ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए है तथा उससे गुजरने वाली रेखा पर स्थित किसी स्वेक्ष बिंदु पी का स्थिति सदिश वेक्टर आर है। चूंकि वेक्टर ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अर्थात वेक्टर ए पी समांतर है वेक्टर बी के, तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए पी इज इक्वल टू टी इंटू वेक्टर बी, जहां पर टी एक प्राचल है, एक पैरामीटर है। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि वेक्टर ओ पी माइनस ओ ए इक्वल टू टी इंटू वेक्टर बी, ओ पी का स्थिति सदिश वेक्टर आर और वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, तो हमें मिल जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू टी इंटू वेक्टर बी। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है वेक्टर टी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी इंटू वेक्टर बी। माना कि ये समीकरण एक है, टी के भिन्न भिन्न मानों के लिए रेखा पर बिंदु पी की भिन्न भिन्न स्थितियां प्राप्त होती है, अतः समीकरण एक सरल रेखा का सदिश समीकरण है। सदिश बी के समांतर और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण होगा वेक्टर आर इक्वल टू टी इंटू वेक्टर बी। रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण प्राप्त करना, माना कि दिए हुए बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1, z1 तथा इससे होकर जाने वाली रेखा के दिक अनुपात ए बी सी हैं, तब वेक्टर ए इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जहां पर आई कैप जे कैप और के कैप क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्ष के दिशा में एकांक सदिश है। बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं, इसलिए वेक्टर R इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समीकरण एक में इस मान को यदि हम रख दें तो हमें मिल जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस टी इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो राइट हैंड साइड में जो पद हैं उसमें से हम
आई जे और के गुणांक को कलेक्ट करके ब्रैकेट पे लिखेंगे। तो यहां से हमें मिल जाएगा x1 प्लस टी इंटू ए इंटू आई कैप प्लस y1 प्लस टी वी इंटू जे कैप प्लस z1 प्लस टी सी इंटू के कैप। तो दोनों पक्षों में i कैप j कैप और k कैप के गुणांकों की तुलना करने पर हमें मिल जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस टी ए, y इक्वल टू y1 प्लस टी बी और z इक्वल टू z1 प्लस टी सी। माना कि ये समीकरण दो है। समीकरण दो में हमें t को विलोपित करना है, तो इसका मतलब ये कि समीकरण दो में जो तीन समीकरण हैं, निकाय हैं, उसमें से हमको t का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू टी। तो इस निकाय से हमने t का मान ज्ञात किया और सभी तीनों t के मान है, तो इस तरीके से हमें समीकरण तीन प्राप्त होगा और यही अभिष्ट समीकरण है जो कि हमें ज्ञात करना था, अर्थात रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। समीकरण तीन से स्पष्ट है कि रेखा तीन पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस टी ए, y1 प्लस टी बी, z1 प्लस टी सी होंगे। यदि कोई रेखा मूल बिंदु 000 से होकर गुजरे तथा वेक्टर b इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के समांतर हो, तो उस रेखा का समीकरण होगा x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू जेड अपॉन सी इक्वल टू टी। अतः इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक टी ए टी बी टी सी होंगे। दो दिए हुए बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। माना दो दिए हुए बिंदुओं ए x1 y1 z1 तथा b x2 y2 z2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। a और b के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर a तथा वेक्टर b है। माना रेखा पर स्थित किसी स्वेक्ष बिंदु p x y z का स्थिति सदिश वेक्टर r है। बिंदुओं a तथा b से गुजरने वाली रेखा बिंदु a से गुजरती है तथा सदिश ab के समांतर है। अतः रेखा का समीकरण है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस t इंटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। तो यहां से हम वेक्टर a के साथ जो पद है उसको अलग से कलेक्ट करके लिख सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा वेक्टर r इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 माइनस टी इंटू वैक्टर ए प्लस टी इंटू वैक्टर बी, समीकरण एक, जहां टी एक प्राचल है, यही अभिष्ट समीकरण है। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। माना कि अंतरिक्ष में दो रेखाएं वैक्टर आर इक्वल टू ए वन प्लस टी वन इंटू वैक्टर बी वन, समीकरण एक है, और वैक्टर आर इक्वल टू वैक्टर ए टू प्लस टी टू इंटू वैक्टर बी टू, समीकरण दो है। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। स्पष्टतः रेखाएं क्रमशः वेक्टर बी वन तथा वेक्टर बी टू के समांतर हैं। इसलिए सदिशों बी वन तथा बी टू के बीच का कोण भी थीटा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर बी वन इंटू वेक्टर बी टू, ये डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल टू मॉड b1 मॉड b2 cos थीटा। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2, वेक्टर में है ये, समीकरण तीन। कार्तीय रूप में दी हुई रेखाओं के बीच का कोण प्राप्त करना। माना कि दो रेखाओं के समीकरण है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, समीकरण एक। तथा दूसरा समीकरण है एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू, समीकरण दो, जहां ए वन बी वन सी वन तथा ए टू बी टू सी टू क्रमशः रेखाओं के दिक अनुपात है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर। यदि दिक अनुपात के स्थान पर दिक को जाए एल वन एम वन एन वन तथा एल टू एम टू एन टू दी गई है
तो हम लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू। यदि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो हमें मिल जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू जीरो और एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इक्वल टू जीरो। ये लंबवत होने का केस है या स्थिति है। अब यदि रेखाएं समांतर हैं तो हमें मिल जाएगा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, या फिर हमें यह मिलेगा कि एल वन अपॉन एल टू इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू। किसी रेखा और समतल के बीच का कोण ज्ञात करना। टू फाइंड द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। माना कि दी हुई रेखा सदिश वेक्टर बी के समांतर है और दिया हुआ समतल वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू क्यू है। चूंकि एक सरल रेखा और एक समतल के बीच का कोण उस सरल रेखा और समतल पर अभिलंब के बीच के कोण का कोटि पूरक होता है, इसलिए यदि रेखा और समतल के बीच का कोण थीटा है तब सरल रेखा और समतल पर अभिलंब के बीच का कोण 90 माइनस थीटा होगा। इसलिए वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू एन बी कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां से मिल जाएगा एन बी साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी, और यदि यहां से हम साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी अपॉन एन बी, और यहां से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वेक्टर एन अपॉन एन डॉट वेक्टर बी अपॉन बी। तो ये वेक्टर एन अपॉन एन को एन कैप लिख सकते हैं और वेक्टर बी अपॉन बी को लिख सकते हैं बी कैप। तो हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एन कैप डॉट बी कैप। अब कुछ बातें जो कि हमें ध्यान देनी है कि सरल रेखा का कार्तीय समीकरण जो एक दिए गए बिंदु से होकर जाता है इसका सदिश समीकरण में रूपांतरण। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू टी, यह कार्तीय समीकरण है। तो प्रथम और अंतिम पद, द्वितीय और अंतिम पद और तृतीय और अंतिम पद इसकी तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल टू ए टी प्लस एक्स वन समीकरण एक, y इक्वल टू बी टी प्लस वाई वन समीकरण दो और z इक्वल टू सी टी प्लस जेड वन समीकरण तीन। समीकरण एक दो तीन को क्रमशः i कैप j कैप और k कैप से गुणा करके जोड़ने पर हमें मिल जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू ए टी प्लस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस बी टी प्लस वाई वन इंटू जे कैप प्लस सी टी प्लस जेड वन इंटू के कैप। तो यहां से हम t वाले पदों को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे और हम लिखेंगे वेक्टर r इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इंटू टी प्लस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो अल्टीमेटली इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर b इंटू टी प्लस वेक्टर a, या फिर वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू टी। यहां वेक्टर b इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जिसमें ए बी सी सरल रेखा के दिग अनुपात है और वेक्टर b रेखा के समांतर सदिश है। वेक्टर ओ ए इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। बिंदु a का मूल बिंदु o के सापेक्ष स्थिति सदिश ओ ए इक्वल टू वेक्टर a है। दूसरा पॉइंट, सरल रेखा का सदिश समीकरण जो एक दिए गए बिंदु से होकर जाती है का कार्तीय समीकरण में रूपांतरण। वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b इंटू टी, यह सदिश समीकरण है। अब वेक्टर r जो है उसके स्थान पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और वेक्टर a के स्थान पर एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप और वेक्टर b के स्थान पर a इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप प्लस सी इंटू के कैप यह मान रख देंगे तो समीकरण कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इन दोनों से हम आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशियंट्स को कलेक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा x माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के कैप इज इक्वल टू
ए टी इंटू आई कैप प्लस बी टी इंटू जे कैप प्लस सी टी इंटू के कैप। दोनों पक्षों के आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर हमें मिल जाएगा x माइनस एक्स वन इक्वल टू ए टी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू बी टी और z माइनस जेड वन इक्वल टू सी टी। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू टी, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू टी और z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू टी। तीनों मान t के हैं तो इसलिए हम लिख पाएंगे x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू टी। ये हमें कार्तीय समीकरण प्राप्त हुआ। तीसरा पॉइंट है कि सरल रेखा का कार्तीय समीकरण जो दिए गए बिंदुओं से होकर जाती है, इसका स्थिति सदिश में रूपांतरण। तो कार्तीय समीकरण है x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू टी। तो पहले पद और अंतिम पद की तुलना, उसी प्रकार दूसरे और अंतिम और तीसरे और अंतिम पद की तुलना करेंगे तो हमें कुछ समीकरण प्राप्त होगा। x माइनस एक्स वन इक्वल टू टी इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ से x का मान हमें मिल जाएगा x इक्वल टू टी इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन। माना ये समीकरण एक है। इसी प्रकार हमें प्राप्त होगा y इक्वल टू टी इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस वाई वन समीकरण दो और z इक्वल टू टी इंटू जेड टू माइनस जेड वन प्लस जेड वन समीकरण तीन। x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू टी इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस इन ब्रैकेट टी इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस वाई वन इंटू जे कैप प्लस इन ब्रैकेट जेड इंटू जेड टू माइनस जेड वन प्लस जेड वन इंटू के कैप। समीकरण एक दो और तीन को क्रमशः आई कैप जे कैप और के कैप से गुणा करके हम जोड़ देंगे तो हमें समीकरण कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप देन होल इंटू टी प्लस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इंटू टी प्लस वेक्टर ए। तो यहाँ वेक्टर ए इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू ए टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। उक्त रेखा का सदिश समीकरण से कार्तीय समीकरण में रूपांतरण। तो हमने यहाँ पर जो समीकरण देखा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इंटू टी प्लस वेक्टर ए। तो वेक्टर आर को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखेंगे और वेक्टर बी और वेक्टर ए का जो मान अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था उस मान को यहाँ पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा x2 माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप देन होल इंटू टी प्लस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के कैप इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन इंटू के कैप देन होल इंटू टी। तो दोनों पक्षों के आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू टी। तो यहाँ से t का मान हमें मिल जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी प्रकार y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इंटू टी दैट इम्प्लाइज t का मान यहाँ से मिलेगा y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन। और तीसरा समीकरण हमें मिलेगा z माइनस जेड वन इक्वल टू टी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। तीनों मान t के ही हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू टी। यह कार्तीय रूप है। आइए देखते हैं इसे संबंधित कुछ प्रश्न। निम्न सरल रेखाओं के कार्तीय समीकरण को सदिश समीकरण में बदलिए। तो रेखा का समीकरण दिया गया है x माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू वाई प्लस फोर अपॉन फाइव इक्वल टू जेड माइनस सिक्स अपॉन सेवन। तो हम लिखेंगे कि
दिया गया सरल रेखा का कार्तीय समीकरण है। x माइनस टू अपॉन थ्री इज इक्वल टू y प्लस फोर अपॉन फाइव इज इक्वल टू z माइनस सिक्स अपॉन सेवन। यह रेखा एक बिंदु है जिससे कि होकर के जाती है, तो यह है दो ऋण चार छ, दो ऋण चार छ से गुजरती है। जिसके दिक अनुपात तीन पांच ऋण, यह रेखा दो ऋण चार छ से गुजरती है जिसके दिक अनुपात तीन पांच सात है। इसलिए इसका सदिश समीकरण वेक्टर आर इक्वल टू टू आई माइनस फोर जे प्लस सिक्स के कैप, कैप का मतलब है इकाई सदिश एक्स वाई और जेड अक्ष की दिशा में, धन लैम्डा उसके बाद ये जो दिक अनुपात है उसमें आई जे के का गुणा कर देंगे, तो थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सेवन के कैप। तो ये इस सरल रेखा का कार्तीय रूप से सदिश समीकरण में परिवर्तन हुआ और यही वह उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। दूसरा समीकरण दिया गया है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। पुनः इस प्रश्न में जैसा हमने किया कि यह जो रेखा है इन बिंदुओं से होकर के गुजरती है, तो यहाँ पर बिंदु ए का निर्देशांक है एक्स वन वाई वन जेड वन जैसे कि गुजरती है, और इस रेखा का जो दिक अनुपात है ये ए बी सी है। तो सदिश समीकरण जो होगा ये हो जाएगा एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। दिया गया है कि यदि वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और ए इक्वल टू ए वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, या आई कैप जे कैप और के कैप है अर्थात, और बी इक्वल टू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, तो निम्न सरल रेखाओं के सदिश समीकरण को कार्तीय रूप में बदलिए। पहला समीकरण दिया है वेक्टर आर इक्वल टू फोर आई माइनस फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस टी इंटू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। तो हम लिखेंगे कि दिया गया सरल रेखा का सदिश समीकरण है वेक्टर आर इज इक्वल टू फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस टी इंटू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस टी इंटू वेक्टर बी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि यह रेखा चार ऋण एक पांच से गुजरती है, चार ऋण एक पांच से गुजरती है तथा जिसके दिक अनुपात एक दो तीन है। तो यहां से जैसा कि आपको समीकरण पता है कि इसलिए इसका कार्तीय समीकरण x माइनस अल्फा, तो ये जो पॉइंट से जा रहा है फोर
अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपॉन थ्री। तो ये वह अभिष्ट कार्तीय समीकरण है दिए गए सरल रेखा के सदिश समीकरण का। उस सरल रेखा के समीकरण के सदिश तथा कार्तीय रूप ज्ञात कीजिए जो सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप के समांतर है तथा बिंदु 4 ऋण 2 तथा बिंदु 5 ऋण 2 4 से गुजरती है। तो पहला जो दिए हुए बिंदु का हम स्थिति सदिश ज्ञात करते हैं, दिए हुए बिंदु 5 ऋण 2 4 का स्थिति सदिश, तो ये वेक्टर a कैप इक्वल टू हो जाएगा 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो रेखा जो है वह सदिश, रेखा जो है यह सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप के समांतर है, इसलिए वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। और जैसा कि आप जानते हैं कि यदि रेखा पर स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश वेक्टर r है तो हम समीकरण लिखते हैं वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस t इंटू वेक्टर b। तो आपको मिल जाएगा वेक्टर r इक्वल टू a, ये 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस t इंटू b, दिस इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। मान लेते हैं ये समीकरण एक है, तो यहां से हम i, j और k का कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है वेक्टर, ये है i कैप, तो यहां से मिल जाएगा 5 प्लस 2t। सिमिलरली ये j कैप, यहां से मिल जाएगा माइनस 2 और ये माइनस t, यहां से मिल जाएगा k कैप, यहां से 4 और यहां से 4 और यहां से 3t। अब वेक्टर r को यदि हम x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इससे तुलना कर दें, अर्थात ये हो जाएगा 5 प्लस 2t i कैप प्लस 2 माइनस t j कैप प्लस 4 प्लस 3t और ये k कैप। तो गुणांकों की तुलना करेंगे हमें मिल जाएगा 5 प्लस 2t, 5 प्लस 2t ये x के बराबर है, इसी प्रकार y इक्वल टू माइनस 2 माइनस t और z इक्वल टू 4 प्लस 3t। समीकरण से यदि हम t का विलोपन करें, ये समीकरण 1 2, अर्थात ये जो समीकरण है x y और z, इसमें से यदि हम t का मान ज्ञात कर लें तो ये देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये x माइनस 5 इक्वल टू 2t, तो t इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन 2। और यहां से यदि आप t निकालते हैं तो t इक्वल टू इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, तो ये y माइनस 2। और यहां से यदि आप t का मान ज्ञात करते हैं तो z माइनस 4 अपॉन 3। जो t के मान है ये जब t के ही मान है तो आपस में बराबर होंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा x माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसमें से यदि माइनस साइन को कॉमन ले लें तो अपॉन में माइनस 1 लिख सकते हैं, इसी तरीके से ये z माइनस 4 अपॉन 3।
यही रेखा का कार्तीय समीकरण है। और जो समीकरण एक है, समीकरण एक रेखा का सदिश रूप है। कि निम्न रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। नहीं, प्रश्न दिया गया है कि उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 3-4-7 तथा बी 1-1-6 से गुजरती है। इस रेखा के कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दिए हुए बिंदु के स्थिति सदिश लिखते हैं। पहला जो बिंदु है, मान करके चलते हैं कि ये A है, तो A इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप और वेक्टर B इक्वल टू i कैप माइनस j कैप माइनस 6k कैप। अतः रेखा का अभिष्ट समीकरण, तो इसे हम लिखेंगे वेक्टर r इक्वल टू 1-t इंटू वेक्टर a प्लस t इंटू वेक्टर b। तो यहां से मिल जाएगा वेक्टर r इक्वल टू 1-t इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस t इंटू b, तो वेक्टर b है i कैप माइनस j कैप माइनस 6k कैप। अब आगे से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर t वाले गुणांक को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, और तो ये 1 into this, तो मिल जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप माइनस टी। तो पहले हम टी वाले पद को लिखते हैं, तो प्लस लगा देंगे और ये आई कैप माइनस जे कैप माइनस सिक्स के कैप, और यहां पर माइनस टी है तो इसका गुणा करेंगे तो मिल जाएगा -3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप या फिर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस टी इंटू ये आई और माइनस थ्री आई, तो मिल जाएगा -2i कैप। इसी तरीके से जे, तो -j -5 -4j, तो -5j और ये -6k और ये प्लस के, मिल जाएगा +kk कैप। तो ये जो वेक्टर आर हमें मिला है ये समीकरण। अब माना कि रेखा पर स्थित किसी बिंदु के स्थिति सदिश वेक्टर r इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप है, तो ये जो r का मान हमें प्राप्त हुआ है या हमने लिखा है उसको हम इस यहाँ पर लिखेंगे और इससे तुलना कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 7k प्लस t इंटू माइनस 2i माइनस 5j प्लस k कैप। तो यहां से जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको एज इट इज रहने देते हैं, और राइट हैंड साइड में जो i, j और k का कोफिशियंट है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि i कैप यहां पर है
ये 3 और यहां से माइनस 2t आएगा। सिमिलरली जे कैप यहां पर आएगा 4 और ये माइनस 5t, और ये के कैप ये आ जाएगा माइनस 7 और प्लस टी। तो जब हम तुलना करेंगे तो एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 3 माइनस 2t, वाई इक्वल टू मिल जाएगा 4 माइनस 5t और जेड इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 7 प्लस टी। अब पुनः यहां से टी का विलोपन करेंगे, अर्थात टी का मान पहले और दूसरे और तीसरे से ज्ञात कर लेंगे और सबको इक्वल कर देंगे। तो यहां से मिल जाएगा, देखिए इस 3 को इधर पक्षांतर करते हैं तो x माइनस 3 और ये माइनस 2t के बराबर है, तो आपको t इक्वल टू मिल जाएगा माइनस दिस। इसी तरीके से यहां से आपको t का मान ज्ञात करना है तो मिल जाएगा 4 माइनस y अपॉन 5 और यहां से आपको t इक्वल टू मिल जाएगा z प्लस 7। ये भी t का मान है, ये भी t का मान है और ये भी t का मान है, अतः यहां से मिल जाएगा x माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू z प्लस 7 अपॉन 1। तो ये रेखा का अभिष्ट कार्तीय समीकरण है और ये जो यहां पर हमने आंसर लिखा हुआ है ये उस रेखा का सदिश समीकरण है।